ललिता बहादुर किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ समर स्पेशल बादाम शेक, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, बादाम शेक बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए बादाम। तो ये मैंने पूरी रात के लिए 15 से 20 बादाम को भिगो दिया था और उसका मैंने छिलका उतार दिया है। हाफ के जी लिया है मैंने दूध। तो दूध आप कोई भी ले सकते हैं, लो फैट और हाई फैट कोई भी। ये देखिए, मैंने वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है। 4 चम्मच लिया है मैंने चीनी और थोड़े से लिए हैं मैंने नट्स। थोड़े से बादाम लिए हैं, बादाम को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। थोड़े से काजू लिए हैं और ये देखिए थोड़े से पिस्ता, इनको भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है। इलायची पाउडर और ये केसर के स्ट्रैंड्स हैं। तो चलिए सबसे पहले हम दूध को बॉईल करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक हैवी तले का कढ़ाई लिया है और उसमें हम ये दूध को डाल देंगे और इसको एक बॉयल आने देंगे। तो ये देखिए, दूध को हमें लगातार चलाते रहना है ताकि ये नीचे से लगे ना, और इसे इसमें हमें एक बॉयल आने देना है। तो चलिए, जब तक दूध बॉयल हो रहा है हम इन बादाम को का अच्छे से एक पेस्ट बना लेते हैं। इसमें डाल देते हैं हम थोड़ा सा दूध। तो ये देखिए, बादाम पीस लिया है मैंने और इसको ये देखिए, ये तो ना तो बहुत ज़्यादा बारीक पीसना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा। तो ये देखिए, दूध में एक बहुत अच्छा सा बॉयल आ चुका है और अब हमें दूध को लगातार चलाते हुए पकाना है, यानी कि इसे 10 से 20% तक ही रिड्यूस करना है हमें, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो अब मैं इसके साथ साथ इसमें डालूँगी थोड़ा सा इलायची पाउडर। देखिए, थोड़ा सा डालेंगे हम केसर के स्ट्रैंड्स और अब हम इसको लगातार हिलाते हुए पका लेंगे। तो ये देखिए, हाफ कटोरी मैंने लिया है दूध और इसमें डालेंगे हम 1 से 1.5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है हमें, इसे थोड़ा ही डालना है और इसको करना है मिक्स। तो ये देखिए, दूध काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है और इस टाइम जाएगा इसमें चीनी। तो चीनी को घुलने तक हम पका लेंगे। तो ये देखिए, इस टाइम हम डाल देंगे इसमें नट्स। चलिए, इस टाइम डाल देंगे हम इसमें ये बादाम पेस्ट। तो ये देखिए, इनको भी हम 2 मिनट के लिए इसमें पका लेंगे। तो ये देखिए, अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमें कस्टर्ड पाउडर का जो घोल बनाया है हमने, उसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते हुए मिलाना है। हमारा मिल्क शेक बनके तैयार है और देखिए कितना गाढ़ा बना है ये। तो चलिए, इसको एक कम बाउल में अब शिफ्ट कर लेते हैं। एक बाउल में मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया है और इसको इस तरह से हिलाते हुए हमें ठंडा करना है। उसके बाद इसे हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो ये देखिए, इसको मैंने 15 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दिया था और ये देखिए कितना बढ़िया हमारा मिल्क शेक बन के तैयार है। तो चलिए, इसे अब सर्व कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ठंडा ठंडा हमारा बादाम शेक बनके तैयार है। इसे मैंने थोड़े से नट्स के साथ गार्निश किया है। इसे आप दोपहर शाम कभी भी किसी भी टाइम गेस्ट को सर्व कर सकते हैं और ख़ुद भी पी सकते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।